हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम इस प्रकार का एक प्यारा सा डोरमेट आपके लिए लेकर आए हैं। डोरमेट की नई डिज़ाइन इस प्रकार की लाए हैं। इसे मैंने 22 फंदे तो ये वाले कलर के डाले हैं और 2 फंदे ये कलर के। इस प्रकार से मैंने इसे बनाया है। 24 फंदों का मेरा ये डोरमेट है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 2 के मल्टीपल से आप कितने भी फंदे डाल सकते हैं। बस ये वाले फंदे हैं, वो 2 फंदे हमें डालने हैं। तो इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड्स, इस डोरमेट को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, हमने 8 नंबर की सलाई यूज़ में ली है, ये देखिए इस तरह से। और देखिए कलर कौन कौन से लिए हैं वो भी आप देख लीजिए। हमने ये दोनों कलर इसमें यूज़ किए हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सलाई आप ज़रूरी नहीं है 8 नंबर की ही लें, आपके पास जो भी सलाई हो उसी नंबर से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। हमें इसमें टोटल 24 फंदे डालने हैं। आप बड़ा बनाना चाहते हैं, 2 के मल्टीपल से कितने भी फंदे डाल सकते हैं। बस 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं, इतना ध्यान रखना है। फंदे कितने भी डाल सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 14 फंदे हुए हैं। 15, 16, ये 17, 18, 19, 20, 21 और 22। देखिए 24 में से हमें 22 फंदे हमने इस कलर के डाले। आप जितने भी फंदे डालें उतने डाल लें, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा फंदे इस कलर के डालेंगे, इतना ध्यान रखना है। आप कितने भी फंदे डाल सकते हैं, लेकिन आपको 2 इस कलर के डालने हैं फंदे। बस इतना ध्यान रख के आपको इस डोरमेट को बनाना है। तो चलिए अब हम 2 फंदे इस कलर के डाल लेते हैं। सिर्फ 2 फंदे ही डलेंगे, चाहे आप जितना भी बड़ा डोरमेट बना रहे हो, लेकिन इस कलर के सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 फंदे डलेंगे। ये देखिए हमने डाल लिए फंदे। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको इसमें जोड़ लेते हैं ऐसे, और इस तरह से, ये देखिए। बिल्कुल सिंपल, इस सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही सिंपल बनानी है। देखिए इस तरह से, अब इस साइड से भी।
अब दो फंदे जो हैं वो इस कलर के, दो में से एक फंदा मैं बनाती हूँ और एक उतारती हूँ। आपने देखा होगा मैंने जितने भी डोरमेट बनाए सब में ऐसा ही करती हूँ, एक साइड से इस फंदे को उतार लेती हूँ, दूसरी साइड से बना देती हूँ। इस साइड से भी ये देखिए, इस साइड से तो हम बना देंगे इसको ऐसे, और ये देखिए इस तरह से। अब हमारा ये वाला फंदा, तो हमें क्या करना है, ये देखिए इस फंदे को बढ़ाएंगे हम, एक फंदा हमें इन दोनों फंदों को बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने कपड़ा पीछे कर लिया है और जैसा हम सीधा फंदा बनाते हैं वैसा बना दिया और कपड़ा आगे कर लिया, और ये देखिए इस तरह से हमारा फंदा बढ़ गया है, एक के दो हो गए। इस तरह से हमें फंदे को बढ़ाना है, कपड़ा ज्वाइन करेंगे इसमें हम, और एंड में आकर दो फंदों को छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए दो फंदे छोड़ दिए हमने, अब ये पूरी लाइन हमारी जैसी है वैसी ही बनेगी, बस दो फंदे छोड़ने थे हमें। एक साइड से तो हमारा एक फंदा बढ़ रहा है और दूसरी साइड से दो फंदों को हम छोड़ रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हमारी ये डिजाइन बन रही है। ये देखिए अब इस कपड़े को पीछे कर लेंगे और दो फंदे जो हैं वो इस कलर के। फिर से एक फंदा हमने उतार लिया, जैसा मैं उतारती हूँ वैसे ही, देखिए यहाँ ऐसे ही होता है इसलिए मैं उतारती हूँ, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है हमारी और डोरमेट भी अच्छा लगता है, फिनिशिंग अच्छी होगी तो उसमें। ये देखिए इस तरह से अब हमें फिर से क्या करना है, एक फंदे को इस साइड आके बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से बना लिया, कपड़ा आगे किया, और ये एक फंदे के दो फंदे हो गए हमारे। दो फंदे फिर छोड़ देंगे इस साइड आकर के।
देखिए इस तरह से हमें इसे बनाना है। इस साइड दो दो करके फंदों को छोड़ना है और इस साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो देखिए हम ये इस तरह से ही दो और दो चार फंदे हमने छोड़ दिए। ऐसे ही करते करते टोटल 20 फंदे हम छोड़ देंगे, यानी इसके 22 फंदे हैं हमारे, उसमें से 20 छोड़ देंगे, दो फंदे बचेंगे और यहाँ से धीरे धीरे करके हमारे 10 फंदे बढ़ जाएंगे। ऐसे हम इसे बना लेते हैं, 10 फंदे बढ़ा लेते हैं और 20 फंदे यहाँ छोड़ देते हैं दो दो करके। तो वहां तक मैं इसे बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना ये बना लिया बिल्कुल इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर बताया था आपको 20 फंदे हमें छोड़ देने हैं, तो 20 फंदे हमने छोड़ लिए, 10 फंदे हमने बढ़ा लिए। यहाँ पर 10 फंदे हमारे बढ़ गए हैं और 20 फंदे हमारे छूट चुके हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये देखिए और ये वाला जो फंदा है वो इस कलर का बना के, और देखिए एक फंदा और बढ़ाएंगे तो ये इस ऐसे उठा के एक फंदा बढ़ा लेंगे। आप चाहें तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं और मैंने जैसे बनाया है ऐसे भी बना सकते हैं। और ये इस तरह से देखिए एक फंदा तो हमारा बढ़ गया, देखिए दो फंदे इधर छोड़ देंगे और यहीं से इसे मुड़ा लेंगे। यानी अब हमारे टोटल 22 फंदे छूट गए और 11 फंदे बढ़ चुके हैं, इतना हमने बना लिया है। आपके भी जितने भी फंदे हो इस कलर से आपने डाले हो वो ऐसे ही छोड़ दें बिल्कुल। जो एंड वाले 2 फंदे छोड़ने हैं वहां पर हमें इस तरह से इस कलर से बनाना है, तब छोड़ने हैं। ये देखिए इस तरह से इतना बन गया हमारा। ये हमारी एक कली की आधी कली बन चुकी है, यानी जो हम एक कली बनाएंगे इसमें डिजाइन की उसकी आधी कली ये बन गई है। अब देखिए क्या करेंगे, जो 11 फंदे हमने बढ़ाए हैं उनको धीरे धीरे कम करेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा एक फंदा घट गया। फिर से ये 2, ये 3, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस और 1, 11। 11 फंदे हमारे ऐसे ही देखिए बिल्कुल घटा दिए हमने। अब ये जो 2 फंदे हैं वो ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए अब हमारा यहाँ से फिर से जो ये फंदे हैं वो हमें, ये देखिए बीच में गैप है इसलिए मैं एक फंदे को उठा ले रही हूँ और 2 का 1 कर दूंगी गैपिंग के लिए। ये देखिए तो इस कलर से बनाएंगे ये। तो जितने फंदे हमने बढ़ाए थे वो हमने एक साथ सारे कम कर दिए। अब सारे फंदे हम इस कलर के बना लेंगे।
सारे फंदे हम बना लेंगे, 22 फंदे जो हैं हमारे ये वैसे ही। इस तरह से ये देखिए, इस साइड से भी सिंपल ही बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से। अब फिर से जैसे हम पहले बना रहे थे, इस साइड से एक एक फंदे को बढ़ाया था हमने, तो देखिए कपड़े को पीछे करेंगे और ये इस तरह से एक फंदा फिर बढ़ा दिया हमने इस कलर का। और एंड में जाकर जैसे दो फंदे छोड़ रहे थे हम, वैसे ही फिर से फंदों को छोड़ना स्टार्ट करेंगे दो दो करके। एंड में आके दो फंदों को छोड़ देना है। जैसे स्टार्टिंग में बनाई थी बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए दो फंदे छोड़ दिए हमने। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरह से देखिए, जैसी हमने ये कली बनाई थी, दो दो करके फंदे छोड़े थे और एक एक करके फंदों को बढ़ाया था, बिल्कुल ऐसे ही हम इसे भी बना लेंगे। तो 20 फंदे तक छोड़ देते हैं और 10 फंदे हम इधर बढ़ा लें, वहां तक इसे बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं क्या करना है। तो ये देखिए हमने ये 20 फंदों को छोड़ दिया और एक एक करके 10 फंदे बढ़ा लिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। हमारा पहले हमने इस कलर से फंदा बढ़ाया था, अब की बार ऐसा नहीं करेंगे, अब की बार हम इसी कलर से बनाएंगे क्योंकि हमें इस कलर की बाद में पूरे में आउटलाइन देनी है इस वजह से। तो ये देखिए दो फंदों को और छोड़ देंगे, यहीं से मुड़ा लेंगे। देखिए दो फंदे हमने छोड़ दिए और यहीं से इसे मुड़ा लिया है, यानी टोटल हमारे पहले की तरह ही 22 फंदे इसमें छूट गए हैं और 11 फंदे हमारे हमने बढ़ा लिए हैं। इस तरह से ये देखिए। अब हम इस कलर से बनाएंगे। तो ये देखिए अब क्या करना है, हमें फंदों को कम करना है, जो 11 फंदे हमारे हैं उनको कम करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दो का एक कर करके एक हो गया कम हमारा। अब ये दो,
चार, ये पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ये 11। 11 फंदे हमारे कम हो गए। देखिए इस तरह से जैसे यहाँ कम किए थे वैसे ही यहाँ भी हमने कम कर दिए। अब हमें देखिए क्या करना है आगे। सारे फंदे हम इस बार इसी कलर से बनाएंगे क्योंकि ये हमारी एक कली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हम आउटलाइन देने के लिए इस कलर से बना रहे हैं। सारे फंदे इसी कलर के बनाएंगे। इस तरह से हमें इसे करना है। ये देखिए अब हमने जितने फंदे डाले थे उतने ही हमारे फंदे हैं ये। अब देखिए यहाँ से फिर से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दो फंदे आप यहाँ पर, मैं ये ही कलर जो है वो ही यूज़ कर रही हूँ सेम। अगर आप चाहें तो दूसरा कलर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, दो कलर का भी बना सकते हैं और चाहें तो मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जैसा चाहें वैसा इसे आप बना सकते हैं। आउटलाइन हम इसी कलर की बनाते रहे और अंदर जो है कलर वो अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। देखिए दो फंदे हमने स्टार्टिंग में जैसा किया था बिल्कुल वैसा ही दो फंदे उस कलर के डाल लिए पिंक कलर के, और बाकी फंदे हम देखिए एक ही कलर के बना रहे हैं।
ये देखिए, दो फंदे इस कलर के इस तरह से, ये देखिए। अब फिर से हम फंदों को बढ़ाएंगे। इन दो फंदों को बनाने के बाद जैसे फंदे बढ़ा रहे थे वैसे ही बढ़ाएंगे फिर से। तो देखिए, कपड़े को पीछे करेंगे इस तरह से, और ये देखिए इधर से, और ये इस तरह से हमारा फंदा बढ़ गया। और एंड में जाके दो फंदों को छोड़ेंगे ऐसे, देखिए। इस तरह से देखिए, दो फंदों को छोड़ देंगे और यहीं से फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, जैसी हमने ये कली बनाई थी वैसे ही ये कली बनेगी, यानी पूरा डोरमेट हमारा इसी तरह से बनेगा। तो इसी तरह से हमें अपना डोरमेट कंप्लीट बना लेना है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये हमारी इस तरह से इसे बना लिया है, और बिल्कुल इसी प्रकार से इसे हमें कंप्लीट बनाना है। इसी तरह से ये हमारा डोरमेट कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।